بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على سيدنا الكريم. يا معشر المسلمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان المجيد: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وفي مقام اخر قال الله تعالى: ولا تقولن من يقتل في سبيل الله اخوان بل أحيانا ولكن لا تشكرون. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، ایک دو اعلانات کے لیے جا رہا ہوں. الحمد للہ کامیاب خطبے کی مبارکباد جو ہے ختم کر دی جاتی ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ مدینہ کو اور حضرت امام حسین کی تمنا کو لے کر اس طرح حضرت اللہ نے اپنے الفاظات کے اظہار کیا ہے کہ امام حسین کی جو تمنا ہے وہ بصورت اپنا جسم اختیار کر چکی ہے اور وہ اپنا کام جو ہے روحانی دربار کے جو اس وقت سے جو امید تھی اس کو برابر جو اپنا ہر سال جو ہے اس کا اعادہ ہو رہا ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں. اعلان یہ ہے کہ 8 سپٹمبر 22 محرم 4 شعبہ بروز 4 شعبہ حضرت امینہ کی اماں حاضرہ بنت صاحبہ کا سالانہ فاتحہ کے زمن میں جلسے
बाबा रुद्रमान की दर्शन की। तो मैं इस मौके पर इन दोनों और दादा खानदान के लिए सब दर्शन पेश करता हूँ, दुआ दो कि अल्लाह ताला को मफ़रत फरमाए और सब जमी लगा। और जो हर साल हर जमा में आप हजरात से एक जुमा की तरह से मुखातिब होते आ रहा हूँ, वाकिफ है वो कि आप हजरात के तआवुन से जो है जो अब तक जुमला चंदा जो वसूल हुआ है उसके फिगर में आप हजरात के सामने रखा हूँ। जुमला चंदा जो वसूल हुआ है आज तक 12,59,500 और जुमला कर जो है इतना बाद 5 अक्टूबर को अदा करना है, अक्टूबर की 5 तक तकरीबन 10 लाख है, क्योंकि वो हमसे हंसना लिए बगैर वो काम अधूरा रह रहा था और वो 50 का मामला था। अब हम चंदा जमा होने के बाद जमा करके लेने के बाद दी थी, मगर सियाले घर ने हम तक ने जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमसे हंसना दिया। तो इस तरह जो है जो जुमला चंदा जो वसूल हुआ और जो हमसे हंसना दिया गया वो 22,59,532 जुमला खर्च कड़ियों और पेट के काम के लिए और कुछ जरूरी सामान जो खरीदा गया वो जो है तकरीबन 2,66,760 रुपये है और जगह की कीमत जो अदा की गई है वो 18,30,000। तो जुमला जो है 20,06,760 और जिसमें अलग आपकी जो बोल रही के लिए इस्तेमाल हाथ में नस्ल में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो है कनेक्शन भी लेना है और फिर बोरवेल करवाना है, उसके साथ एक आप जो है एक ऐसा रूम जो वहाँ के कोई निगरानी करने के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, वहाँ अलहमदिल्ला गलती उसकी हो चुकी है और फिर वायर भी लग गया है, मशीन भी लग गई है, जाली भी लग गई है, गेट भी लग गई है। जिन दिन हजरात ने इस सिलसिले में तामन किया है उसकी मुस्तर में अल्लाह तला करता, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा है और हजरात जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है मैं उन हजरात से दोबारा जो है मुलतवी हूँ कि वो दिल खोल कर इस मामले को जो है तकबीर तक पहुँचाने के लिए अपनी अपनी आदतें जो हजरात चंदा वसूल कर रहे हैं तक पहुँचाएँ और जो हजरात अब तक उनके अनजान हैं उनसे भी गुजारिश है वो जो है इस काम में हिस्सा लें। ये जो है बहुत ही तारीखी काम है, आप हजरात के लिए जो भी अफ्ता करना हजरत के बैत करना जो भी है अगर उन्हें जो है इधर उधर जगह नहीं मिलती है तो एकदम घर में जो है मैयत रखी होती है, लोग जो है आखिरी आराम कर लेते हैं, चौथ तरफ भागते हैं, दौड़ धूम करते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन हकायक से आप लोग वाकई फैन इसके दौरान सिखा रहे। तो बहरहाल इस जो है संगीत इस जो है आपके हंगामी का जो मसला बना हुआ था उसका हल जो है ना अलहमदिल्ला ज़रा सी कोशिशों से जो है ना निकल आया है, इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने तआवुन की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जो और भाई साहब बालानगर के जालियों उधार की कीमत और काम के तकरीबन 1.5 लाख बाकी हैं, तो 3 माह बाद अदा अलहमदिल्ला अल्लाह तआला ने जज़ा खैर अता फरमाया, वो बगैर किसी एक रुपया मुनाफा के एक एक्चुअल कीमत जो होती है बढ़ेगी सिर्फ वही लगाए और उसके बाद में फिर उनका दिल इस तरह निकला कि वो कहने लगे कि मुझे अब इसको नक देने की ज़रूरत नहीं है, आप लीजिए 2-3 महीने अल्लाह तआला ने जज़ा खैर अता फरमाया। हर हर खुदा के आशिक और इस काम को आगे बढ़ाने वालों के अंदर ये जज्बा अगर है तो हमारे लिए दसरा बिस्तर जमा करना कोई मसला नहीं, मगर जरा सा दिल खोल के जो है आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये मामला जो है कोई किसी का किसी को डाल नस में रख के हकीकत पूछ रहे बहुत पूछ रहे ऐसा कुछ नहीं है, मामला बिल्कुल जो है आने की तरह हिसाब साफ साफ है और जो लोग जो चंदा दे रहे हैं उसकी रसीद दी जाएगी, अलहमदिल्ला जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा उसके लिए सिस्टम के सामने लगा दी जाएगी। मैं गुजारिशात के साथ अब दौरा से गुजार चाहता हूँ और ख़ास तौर से दौरान गुफ्तगू को बोलना चाह रहा था, नौजवान बच्चे हमारे टू व्हीलर में जब जाते हैं तो जो है हेलमेट पहनने को अपनी जाना एक दरकसर समझता है, अरे वो दरकसर नहीं है, सर की सलामती के लिए हेलमेट ज़रूरी है, अगर वो नौजवान बच्चा अगर हेलमेट पहना होता तो कम से कम जो है वो सर जाकर लोकल से नहीं कर पाता था और कच्चे को सर तो महसूस रखा इंसान के जिसम की हड्डियाँ मिलना बस्तियाँ दुखी तो मिलना वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जो है सर की इबादत बहुत जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है ना न सिर्फ जो है गाड़ी चलाने वाला बल्कि पीछे बैठने वाले के लिए भी जो है लाजमी कर दी और इसका सख्ती से हमें दहली भी देखने को मिलता है, पीछे औरत बैठी हो या मर्द बैठा हो
चलाने वाला और पीछे बैठने वाला दोनों के लिए बना के हेलमेट बहुत जरूरी है। मैं नौजवान बच्चों को इस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि जो है हेलमेट संभाल लीजिए, उसको रखने की जिम्मेदारी करनी है। वक्त हालात क्या हो सकते हैं, आप समय के सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन पीछे से जो है किसी को ऐसी जो है ना जल्दी रहती है कि वो जो है आपको मार के आगे चले जाते, या तो कभी हालत नशा में होता है, या तो किसी जो है ना अंडर प्रेशर होता है, या पहुँचना होता है, तो उसमें सामने आने वाला जो है आता है कि बैग आता है कि हादसा हो जाता है। तो इसलिए जब भी निकले आप नौजवान बच्चों से मैं खासतौर से गुजारिश कर रहा और उनके लिए जो है ना एक तंबीह भी है, उनके लिए नोटिस भी है कि बगैर हेलमेट के आप लोग गाड़ियाँ आप चलाएँ कि कौन इस वक्त क्या हादसा हो सकता है नहीं आता। और दूसरी खबर की अखबार आती है कि जराए जवाब से जो आने के कोरोना ने फिर हिंदुस्तान में सर उभारना शुरू कर दिया है और उसके जो है खतरनाक अंदाज सामने आ रहा है। कोविड टीका अंदाजे में जो है चल रही है, उससे भी जो है बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन केरला से जो आपके तलाक आ रहा है एक दिन में 30,000 से ज़्यादा जो है आपके लोग इसमें जो है ना आपके वो इस बीमारी के जो है शिकार होते हुए आए हैं और फिर उनको टीका अंदाजी भी की जा रही है, उनका इलाज भी किया जा रहा है और बाद लोग जो है इलाज के दौरान मर भी जा रहे हैं। तो इस लिहाजा जो है आप लोगों की बात समझिए कि जो है ये वबा जो आई बात जो ख़त्म होगी बल्कि हुकूमत की तरफ से ठीक दी गई है, तो आप लोग एहतियात के तहत जो है उसको बराबर जो है अपनाइए और फिर जो साफ सफाई रखना है, हाथों को बार बार धोना है और फासला जो रखने का है, डिस्टेंस रखने का है नमाजों और फिर जो है गैर जरूरी तौर पर जो इस्तेमाल कर जाइए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग निकलना घर से तभी निकलिए बाहर, एहतियात जो है लाजमी है। इन गुजारिश के साथ में आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कि और बात बोलने की वजह से भी ऐलान की जजाकुल्लाह खैरा। आप हज़रात जो इस सिलसिले में पहले भी तावन कर चुके हैं उनके लिए मजीद मुकर्रर दरख्वास्त है कि वो चंदा वसूल करने वालों के लिए एक बड़ा काम समझ कर आप लोग जो है इसमें हाथ बढ़ाएँ ताकि जो है इस काम का तकमीला हो जाए और जमान के ऊपर जो कर्ज है कर्जा के तौर पर उसको जल्द से जल्द उतारने की कोशिश करें। سلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔